हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी सिक्स स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ द ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है, मतलब छोटा फॉर्म है। किसका है? अर्थ का। ग्लोब, सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। तो जो अर्थ का शेप होता है, हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि ये कंप्लीट स्फेरिकल शेप का नहीं होता है। इसका जो शेप, अर्थ का शेप होता है, उसे जियोइड शेप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पोल्स, ये जो टर्नड होता है, मतलब फ्लैट, इस पोल्स के पास फ्लैटेंड रहता है और टिपिकल स्फीयर शेप का नहीं होता है। और जो सेंटर होता है वो बल्ज करता है, सेंटर फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। ग्लोब जो होता है, ग्लोब को हम कभी भी फिक्स्ड नहीं रखते हैं। ये जो जिस एक्सिस पे ये रोटेट करता है, इसके जो ऊपर का पार्ट है, इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये जो नीचे का है, उसे साउथ पोल कहते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइन है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है, इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये टिल्टेड है, इसलिए ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता है, ये एक टिल्टेड रहता है। इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब हमने इस ग्लोब पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। ये इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ किया दैट इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट। अपर पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। ये इमेजिनरी लाइन जो सेंटर से जाती है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन और सर्कुलर लाइन है। ये थ्रू आउट द स्फीयर, स्फीयर के चारों तरफ ऐसे बीच से मूव कर। ऑल द लाइन पैरेलल्स टू द इक्वेटर अप टू पोल। ये सारे लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल पे मूव कर रहे हैं अब पोल्स तक, इसे हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। All parallel circles from equator up to the poles are called parallel of latitude. किससे measure करते हैं? It is measured in degrees. ये जो equator के northern hemisphere में जितने भी latitudes होते हैं, उसे हम north latitude कहते हैं। और जो equator के southern part, मतलब southern hemisphere पे होते हैं, उसे हम कहते हैं south latitude. ऊपर की तरफ जो है उसे नॉर्थ लैटिट्यूड, नीचे की तरफ जो है इसे साउथ लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है वो ज़ीरो डिग्री पर होता है। हमने अभी बोला कि लैटिट्यूड को हम डिग्रीज पे मेजर करते हैं, इक्वेटर ज़ीरो डिग्री पे होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, अप टू, जैसे ही हम पोल्स पे पहुँचते हैं, तो पोल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इतना पार्ट है, फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज़ द 1/4 ऑफ द सर्कल। 1 डिग्री होता है 360 डिग्री, 1/4 है डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसीलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो 90 डिग्रीज पे होते हैं। हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे जो लैटिट्यूड का साइज है, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द साइज ऑफ द पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वी हैव अ फोर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एट 23.5 डिग्री साउथ, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वी हैव फोर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। सो
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हीट जोन. हीट जोन, दिस ग्रीन पोर्शन इज द टॉरिड जोन. फर्स्ट इज द टॉरिड जोन. टॉरिड जोन इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो टॉरिड जोन का एरिया कहाँ पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. ये जो एरिया है इस पे क्या होता है कि जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है वंस इन अ ईयर. जैसे जब जब भी समर सीजन आता है उस टाइम पे जो सन का पोजीशन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है और जो सन के रेज होते हैं वो 90 डिग्रीज पे पड़ते हैं. इसीलिए इट रिसीव्स द मैक्सिमम टेम्परेचर और इस वाले पार्ट का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है. नाउ सेकेंड इज़ द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन के ऊपर वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन के नीचे वाला साउथ टेम्परेट जोन. सो एरिया बाउंडेड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इज द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड एरिया बाउंडेड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इज द साउथ टेम्परेट जोन. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जो सन रेज गोज ऑन डिक्रीज, मतलब सन रेज का जो एंगल ऑफ सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग. मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जो जिस एंगल पे सन रेज अर्थ से टकरा रही है वो कम कम होता जाता है. इसीलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन में मॉडरेट टेम्परेचर होता है. क्यों? क्योंकि मिड डे सन शाइन कभी नहीं होता इस पार्ट पे और एंगल ऑफ सन रेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. इसीलिए इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं. थर्ड इज़ द फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन ये आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का पोर्शन जो है वो फ्रिजिड जोन है और जो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो रीजन है ये फ्रिजिड जोन है. एरिया बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड एरिया बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इज द फ्रिजिड जोन. सन डज नॉट राइज, यहाँ पे सन राइज करता ही नहीं है. यहाँ पे क्या होता है कि जो होरिजन है, मतलब जहाँ पे सन डूबता है उसके थोड़े से ऊपर में ही रहता है सन. बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब सनराइज होती ही नहीं है इस रीजन पे. ये मतलब सनराइज ऑलवेज स्लैंटिंग होता है, इसलिए इट रिसीव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट. इसीलिए इस रीजन पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. इट्स अ वेरी कोल्ड रीजन रीजन इसलिए इसे फ्रिजिड जोन कहा गया है. सो दिस कवर्स द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. तो ये लैटिट्यूड्स कवर हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका लॉन्गिट्यूड कवर करूँगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना ओपिनियन दें कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा. और अगर कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.